आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है कीर्ति झाज किचन। मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे अपने चैनल का नाम बदलना पड़ा। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कीर्ति झाज किचन, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ का स्वाद आप लोगों तक पहुँचे। जैसा कि आज की रेसिपी का नाम है कॉर्न मशरूम बिरयानी, तो चलिए क्या क्या लगेगा देख लेते हैं। ये है एज यूजुअल मेरी मसालेदानी, जिसमें सारे मसाले हैं बेसिक, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चा, जीरा। ये है एक कटोरी कॉर्न, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ है। ये है 250 ग्राम मशरूम, जिसको मैंने काट के बॉइल करके और साफ करके रख दिया। ये है बेसन, हरा लहसुन कटा हुआ, धनिया पत्ता कटा हुआ, दो आलू, नींबू, सरसों तेल, सब्जी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, घी, ये सारे हैं गरम मसाले। ये है दालचीनी, बड़ी इलायची, चक्रफूल, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, सूखा लाल मिर्च, घी, और ये है चावल, जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखे। पहले हम मैरिनेट करेंगे मशरूम, कॉर्न और ये आलू को, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगेगा झटझट। तो हमने सबसे पहले मशरूम डाल दिया, ये हमने कॉर्न डाल दिया, ये बेसन 4 चम्मच, इस चम्मच से वो डाल देंगे। ये है हरा लहसुन, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ये जो हमने आलू काट के रखा है उसके भी हम 4 पीस कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज्यादा नहीं देना है। ये है सब्जी मसाला, नींबू, बीए निकाल दीजिए अगर गिर गए हो, थोड़ा सा सरसों के, नमक, नो अब हम इसको फटाफट से मिक्स कर देंगे। हमारा वो मशरूम कॉर्न मैरिनेट होता है, तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ये है 3 प्याज, 1 टमाटर, लहसुन, ये छोटा सा अदरक और ये हरा मिर्चा, तो इसको हम पीस लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आधा घंटा हो गया है और मैरिनेट भी हो गया। इधर मैंने वो पेस्ट भी पीस लिया है, ये देखिए। हम क्या करेंगे, पैन को चढ़ाएंगे, नॉन स्टिक पैन को, ये देखिए। इसमें हम थोड़ा सा 2 बूंद सरसों तेल डाल देंगे और इसको, ये जो हमने आलू जो मैरिनेट किए हुए हैं इसमें से हम आलू को इसमें डाल देंगे। हम स्टार्ट करते हैं, प्रेशर कुकर लिया है, उसको मैंने गरम कर लिया है और हम ये तेल डालेंगे इसमें अंदाज से, देखिए ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी भी पड़ेगा, तो लगभग 2 चम्मच ये हमने डाल दिया।
और काम करते करते अगर चीज़ों को सही जगह पर रखते चलिए तो टाइम बचता है। ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये देखिए मैंने इसमें 1.5 चम्मच घी डाला है, ज़्यादा नहीं भी हेल्थ के लिए नुकसान करेगा, लेकिन बिरयानी बिना घी के बटर के नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, जो आपको गरम मसाला दिखाया था वो मैंने सब कुछ रख दिया। देखिए एक बड़ी इलायची, छोटी ये चक्रफूल, दालचीनी, लौंग, इलायची, अब हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये जीरा डालेंगे, 2 लाल मिर्च और ये डाल देंगे। अब इसको देखिए फूटने देंगे, ये देखिए। और उधर जो है वो आलू देखिए मेरा कितना क्रिस्पी हो रहा है, ये देखिए। ऐसी ही कुछ कोटिंग आनी चाहिए, ये थोड़ा सा मेरा आइडिया है। ये ऐसे आप फ्राई भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आ रही है। और इधर ये मसाला भी फूटने चला है, देखिए थोड़ा, ये थोड़ा सा पटपटाएगा। मिर्च, काली मिर्च जो है वो फूटने का डर रहता है, इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक देंगे, नहीं तो वो काली मिर्च फट के बाहर आती है। अब हमने जो ये मसाला पीस के रखा हुआ है उसको डाल देंगे और झट से ढक्कन बंद कर देंगे क्योंकि धुआं उड़ता है। देखिए एक हाथ से ये और एक हाथ से, अब हम इसको थोड़ा सा देखिए बढ़िया से मसाला को भुनेंगे। देखिए अब हम इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो डाल देते हैं, धनिया 2 टेबल स्पून, मेरे को अंदाज है आप टेबल स्पून से ही लीजिएगा। ये है हल्दी, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, ये आपके ऊपर है कम खाएंगे या ज़्यादा। आँच हम कम कर देंगे नहीं तो हमारे मसाले जो है वो जल जाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे, 2 बड़े चम्मच। मेरे पास कैच का है, आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं, 1 और ये। मीनवाइल हम अपने आलू को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। मिस्टर आलू, ये देखिए मिस्टर आलू हमारे हो चुके हैं, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हमने ये जो धनिया पत्ता लिया हुआ है ये डाल देंगे, और ये सभी मिलके जो एरोमा दे रहा है ना, आई कांट एक्सप्लेन। ये देखिए लाजवाब की खुशबू। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। मैं 5 मिनट कहती हूँ लेकिन उससे पहले एक बार खोल के देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या हाल है मसालों का। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर है ये। अब हम इसमें बिना देर किए दही डाल देंगे और इसको जल्दी से फुटकी से चला देंगे ताकि ये फटे नहीं। ये देखिए सर्दियों में ही खाने का मज़ा है, आपको डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं। ये देखिए अब हमने जो वो मैरिनेशन रखा हुआ है कॉर्न और मशरूम का वो डाल देंगे। ये देखिए इसको अब हम डाल देंगे। ध्यान रहे हमने इसमें भी नमक डाला है और अभी मैंने नमक नहीं डाला, और अगर ये मसाला छूट जाता है तो कोई बात नहीं, जब हम इसमें पानी डालेंगे इस मसालों को हम पानी में ऐसे मिला के डाल देंगे।
अब इसको हम चलाएंगे। देखिए ये देखिए, ये बढ़िया से ये भुन गया है। ये देखिए अब हम इसमें जो हमने आलू को फ्राई किया है वो डाल देंगे वन बाय वन। देखिए ये डाल दिया। अब जो हमने चावल रखा हुआ है वो डाल देंगे। देखिए इसको हम अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता, और सर्दियों में तो धनिया पत्ता आप जितना डालें उतना कम है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस स्टेज पे थोड़ा सा आधा चम्मच चीनी डाल देना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस थोड़ा सा, हल्का सा, ये स्वाद को मैनेज कर देगा। अब पानी का वही है, अगर आप एक कप लेते हैं चावल तो दो कप डालिए, अगर आप दो कप लेते हैं तो चार कप डालिए। तो अब मैं इस स्टेज पे पानी डालूंगी, जो हमारा मसाला बच गया था ये वाला। ये देखिए इसमें मैंने ये रखा हुआ है। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। सारा जो साइड में चावल वगैरह है इसको आप सब समेट लीजिए। अब इस स्टेज पे फिर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। आई लव धनिया पत्ता एंड ऑल्सो दिस एरोमा। और ये जो हमारा बचा हुआ नींबू रह गया है हम उसको भी डालेंगे। नमक स्वादानुसार, ज़्यादा कम। एक बात ध्यान रखिएगा, नमक कम हो जाएगा उसका जुगाड़ है लेकिन ज़्यादा का जुगाड़ नहीं है। और एक चम्मच घी, आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं, मैं भी आधा चम्मच ही डालूँगी क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। चलिए तो अब हमारी कॉर्न मशरूम बिरयानी तैयार है कि नहीं, इसको मैंने दो सीटी पे बंद कर दिया है और इसको अपने आप ठंडा होने दीजिएगा, हड़बड़ी नहीं है। चलिए तब देखते हैं कैसी बनी हमारी बिरयानी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लग रही है। अब मैं आपको इसकी थाली तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये बिरयानी की थाली सज गई है। बिरयानी, रायता, ग्रीन चटनी एंड अनियंस। तो लेट्स एंजॉय, और पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।